आज का युग जो आज के बच्चे हैं वो तो इस चीज को समझ नहीं रहे कि मटके क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। बस आज घर पे फ्रिज आ गया, ये आ गया, चलो बच्चे को प्यास लगी है फ्रिज का पानी पिलाओ, पर मटके का क्यों नहीं? इस मटके का महत्व पानी भरना, डॉक्टर भी इसको पानी पीना बताते हैं, मटके का पानी पियो, सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा ठंडा रहता है, शरीर में साफ होता है, इसकी मट्टी चाहे पट्टी का है, पट्टी की वजह से इसमें गिरता है थोड़ा खून दूर, इसलिए इसका ठंडा रहता है। फ्रिज का पानी क्या है, आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे, आपने क्या गले में खरखरार हो गई है, रात सर्दी हो गई है, तो काय का पानी साफ फ्रिज का पिया, तो अगर फ्रिज का मत किया मटके का पिया, क्या फ्रिज से मतलब वो ठंडा रहता है, वो मटके का क्या है, मटके का सर्दी खांसी कुछ नहीं करता, वो शरीर तो अच्छा रखता है, और इसका महत्व दिन ब दिन खत्म हो जा रहा है। ये फ्रिज, ये बाटन है, ये सब चल रही, तो इसको कोई समझ नहीं सकता, पर आज ऐसी कंडीशन है कि मैं परेशान हो गया, अब हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, हमारा तो धंधा है, ये कुल धंधा है, मतलब इस पर हमारा सब परिवार बढ़ता है। हमारे इतने पीढ़ी से यहाँ बसे हैं पूर्वज, तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम 5-10 पीढ़ी हो ही गया है, मूल निवासी यहीं का है, जेवरा शीर्षक ही है। आज ऐसे दयनीय स्थिति हो गया है कि आज इसमें काम करते हैं कोई कुम्हारी काम, तो इसमें तो आप पेट नहीं भरते। पहले हमारे पूर्वज तो मिट्टी का बर्तन बनाकर ही अपना जीवन यापन करता था, पहले एल्युमिनियम जर्मन नहीं आया था, उस समय काला बर्तन का चलन था, लकड़ी छेना फ्री में मिलता था, समझ जाओ ऐसी घूम कर। आज 700 रुपये कुंटल लकड़ी है, दिन भर में काम करते हैं, मिट्टी महंगा है, भाड़ा नदी के पास से मिट्टी मंगाते हैं, उसमें अब कोई नहीं पोसाता। आज हम लोगों को 150 रुपये भी रोजी नहीं पड़ता, और ये काम के लिए कम से कम 3-4 आदमी चाहिए, पूरा परिवार का पेट नहीं चल सकता। और शिवनाथ नदी से मिट्टी लाते हैं खरीद के, गाड़ी किराया करवा के, अभी ट्रांसपोर्टिंग इतना लगता है, गाड़ी भी लगते 150, ट्रैक्टर में मंगा लेते 1000 लगता है, ये सब परेशान है। पहले घर में गाड़ी बैला था, किराए से भी मंगवाते थे, अब घर में गाड़ी बैला है नहीं तो किराए से मंगवाते, तो परेशानी भी है। और वही दूसरा जगह से और लाते हैं, वो माटी अभी सक्सेस नहीं हो रहा है, खराब पहुँच रहा है, पहले जगह वाला माटी नहीं मिल रहा है, बरसानी मिट्टी में है अभी। एक दिन में घर मैं 2500 बनाता हूँ, और वो क्या है पाक में पूरा फिनिश करे एक बार, पूरा तो नहीं आता, आधा आता है, आधा तो खत्म हो जाते, खराब हो जाते, उनके बाद क्या 25 रुपए के दर से बेचता हूँ, और व्यापारी लोग तो ज्यादा कमाते हो, 60-70-80 का बेचते हैं, हम लोग 25 रुपए के हिसाब से यहाँ से ले जाते हैं, आखिर मिलता क्या हमको, कुछ नहीं मिलता, वो शायद ही बैठी गई थी, बहुत परेशानी जाते, कुछ धंधा बहुत मतलब अब छोड़ा, बहुत तुम कायम पूरा धंधा छोड़ गए, अब मजदूरी निकल गई, डीजल मिल गए है, और कोई भी काम है फैक्ट्री वगैरह में आना आना वही चालू, जर्मन आने के बाद ये चलन भी नहीं है, आज थोड़ा बहुत चल रहे थे पूजा सामान के, जैसे ज्योति है, ज्योत में भी है आज का कि शीतल का बनने लग गया है, पूजा उजा में थोड़ा बहुत है, बाकी इतना नहीं पसाते, आज 150 घर कुम्हारों में 20 घर का बनाते हैं, और क्या भट्टा लगाते हैं ना, बहुत तकलीफ होता है, और क्या है कोई भी आदमी बोल सकते हैं अरे यार यहाँ भट्टा न लगाना है, उखाड़ देंगे, बंद करा देंगे, ऐसे करके तो हमारे लिए भट्टा की भी कमी है, और मैं तो सोचता हूँ कि ये भट्टा लगाते हैं ना तो उसमें तो हाथ पैर में दर्द है, सीने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बहुत परेशानी होता है। मुझे ये छत्तीसगढ़ दुर्ग की लाइन में, मेरे को तकरीबन 9 साल हो गए ये फोर्ट बेच रहा हूँ, और
हालांकि पिछले टाइम से अभी मार्जिन बहुत कम हो गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन रेट का वही है जो पिछले 8-9 साल से जो रेट आ रहा है वही रेट आ रहा है, कोई खास बेनिफिट नहीं रहा है। उसको बनाने वाले भी खत्म हो गए, जो पहले माल बनाते थे वो तकरीबन हमारे वहाँ पे 10,000 के आसपास लोग थे, आज मुश्किल से 100 लोग बचे हैं जो ये पॉट बनाते हैं, और उनका रेट भी इतना हाई हो गया है कि पॉसिबल नहीं होता उनको पेमेंट करके ये माल यहाँ अवेलेबल करवाना, लेकिन फिर भी इसके सिवा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई धंधा नहीं है। लास्ट ईयर हमें 2-3 साल हो गए जो गाड़ी हमको रेंट वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते थे तो तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपये चार्ज लगता था, आज तकरीबन हो गया उसका 70,000 रुपये चार्ज, तो उससे जैसे पोर्ट का रेट भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन भी ट्रांसपोर्ट में आते आते 300-400 रुपये टूट जाते हैं, लॉस वाला ही काम है। जब फर्स्ट टाइम आए थे अच्छा क्रेज मिला हमको, अच्छा मार्जिन भी मिला और रेट भी अच्छा आया था, धीरे धीरे क्रेज कम हुआ है लोगों का, जैसे कि अपने यहाँ पे फ्रिज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको प्रोत्साहित करने वाला कोई वो वाला नहीं है कि आप किसी का इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी तरह का कोई प्रोग्राम करके या किसी भी तरह की कोई भी स्कीम चला के। स्टार्टिंग में हमने करीब करीब 4-5 हज़ार मटके यहाँ पे सेल किए थे, धीरे धीरे इतना कम हो गया, आज हम 1,000 मटके लाए हुए, हमको करीबन 1.5 महीना हो गया लेकिन उसका सेल नहीं आ रहा है, तकरीबन देख लो 300-400 पीस अभी तक बेचे हमने। अरे जो नई पीढ़ी है वो कोई भी किसी भी तरह के इसमें हाथ नहीं डाल रही है, दूसरे धंधे में घुस जा रही है, चाहे वो कुछ भी का धंधा कर ले, वो नौकरी कर लेंगे, प्राइवेट जॉब कर लेंगे, 2-4 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, लेकिन इस धंधे में नहीं, परेशानी बहुत है, मेहनत बहुत है, और उसके बावजूद भी जब माल बन के तैयार हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कब तक बिकेगा और कब तक पैसा अपने हाथ में आएगा। 1990 से मैं फिलहाल बैठा मट्टा देवरा टिंडा तकनी है ना, और बिलासपुर है ना, बहुत जगह कट्टी बहुत जगह से लाते हैं हम लोग मट्टा है ना, उस समय कम से कम नहीं भी तो 10,000 से 15,000 परिवार पूरा दुकान मतलब बहुत देते थे हम लोग, और अभी जाओ तो मुश्किल से 400-500 हर जगह मतलब मार, अभी कोई बना ही नहीं रहा मतलब क्योंकि सेलिंग नहीं है उतना, इस नाम से नहीं बना रहे। सरकार से हमें उम्मीदें हैं और स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे सरकार चाहे तो हमारे लिए कुछ कर सकती है, जितने भी ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट सेंटर के हो गए चाहे स्टेट के हो गए चाहे किसी भी तरह कोई ऑफिस है, तो एक नियम निकाल सकती है कि आपके ऑफिस में एक पोर्ट तो होना ही चाहिए। सेकंड बात, जो भी डिस्पोजल का मैटर चल रहा है प्लास्टिक यूज ना लें, तो प्लास्टिक यूज ना लें तो उनको ये भी आप कह सकते हो कि हर दुकान पे हर छोटी जगह पे जहाँ चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह मिलती है तो वहाँ मिट्टी के जो शिकोरा आता था उस पॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए सरकार कुछ नियम और थोड़ा कुछ करेगी हमारे लिए तो ज़्यादा बेटर होगा।